पहले सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको खैर इस्तेमाल करे। मैं ज्यादा कभी छोड़ी तभी नहीं करूँगा, सिर्फ दो बातें करूँगा कि वो क्या वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जवान अफसर वहां के लिए वो कौन सी ऐसी वजह थी कि मक्का के बंधु जो बच्चियों को जिंदा कर गौर करते थे और फिर अल्लाह के महबूब की नबूवत के बाद एक ऐसी ताकत बनी हो कि उन्होंने पर्शिया और रोम को बड़ी बड़ी ताकतों को पाश पाश कर दिया। अल्लाह के महबूब ने वो कौन सा काम किया था कि असाबे कराम और आज मुहर्रम का महीना है, आले बैत वे वो कौन सी ताकत आई बदलिया बात भी वक्ती तौर पर कामयाब हो जाता फिर उसने उसका मुकदर। नंबर तीन, तीन वर्ग असद उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसको जिनको सैफुल्लाह का खिताब मिला अल्लाह की तलवार उनको सिपाही सवारी से हटाया, इंट्रीग्स नहीं किए, ग्रुप्स नहीं बनाए, एहतजाज नहीं किया, लोगों को मुश्तिल नहीं किया, पीछे से बार नहीं किया, हुक्म की तामील की। तारीख पढ़े फिर कि मुसलमान का रूज कहां पे चला गया। चौथी चीज, तीसरी टीम वर्क, एक खिलाड़ी टीम में धोखा करे टीम वर्क की मिसाल इस बाल से लेकर पाओ तक है, अगर आपके दांत में दर्द हो, सर में दर्द हो, गुर्दे में दर्द हो, आपका जिस्म डिलीवरी नहीं करेगा। जब टीम एक ना हो रसवाई मुकद्दर है। और चौथी चीज, हक की आवाज बनो चाहे कितना बड़ा जालिम क्यों हो। ये चार चीजें आज आपको देख के जा रहा हूं। हमें किसी से सर्टिफिकेट्स नहीं लेने, तनकीद जरूर होगी, जिन्होंने आपको वोट दिया वो आप पे तनकीद करेंगे, लेकिन आपकी तरह की लीडरशिप पार्टी है। जैसे आज अभी आप कह रहे हैं कि इफ्तिताह को आपने पूछा नहीं, इस आमिर अफरीदी साहब को अब्दुलरहमान को 100 से ज्यादा मैंने कहा है कि मैंने होजरी होजरी फिरना है, आप मेरे साथ चले, आपने मुझे बुलाया और मैं आया हूं। इसी तरह अगर मैं गिला करूं, मैं आपके लिए हर जगह तैयार हूं, बुलाने वाले बनो, ना हो तो फिर कल को मैं चला जाऊं, फिर आप इसी तरह तस्वीर उठा के कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, आप मुझे बुलाओ मैं ना आया ना आऊं, मेरा सर भी कटे तब भी तुम्हारे पास चल के आऊंगा, बुलाओ तो सही। भागने वालों में से नहीं हूं। दूसरी चीज, यूथ का हर जवान आ रहा है, क्या मैसेज दे रहे हो? मुझे मुझसे सर्टिफिकेट्स लोगे, एमपीए से सर्टिफिकेट्स लोगे, मेरे भाई वो जो सर्टिफिकेट लेने वाले बैठे हैं रब पे जुल जलाल के फजल से वो थक गए, उन्होंने हमें हर डिग्री टॉर्चर दिया, बीवी का, बेटी का, घर का, इज्जत का, बुनियाद का, वो नहीं चुका सके, तुम मुझे चुकाओगे, तुम मुझे चुकाओगे। बड़ों की इज्जत सीखो, जो बड़ों की इज्जत नहीं करते मुआशरा तो छोड़े, अल्लाह का निजाम उनको रद्द करता है। बड़े पलों ने इज्जत दी है, आज पारा चिनार में अभी सीज फायर हुआ है कुछ घंटे पहले, आपको पता है कि आपके एमएलए और एमपी पर कितने केसेस हैं? आओ जरा एक जगह खड़े होकर दिखाओ, मान जाऊंगा खान, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कोहाट में, मुझे खान
अभियान भी बनाया, मैसेजेस भेजे कि शहरयार रात अभी होला रखना। मैंने कहा इमरान भाई किसी का मकसद नहीं आपको बाहर निकालना। मुझे कहते शहरयार थोड़ा सब्र कर लो, जब मैं आवाज दूंगा तो कुहाट चला रहे ना, पहले मेरी बीवी बच्चे मैं आ जाऊंगा फिर बात में आपको। बहुत आसान है अकली की तस्वीर, बहुत आसान है जिन्हें पे आके खड़े होके अकली की ऐसी की तस्वीर दे, बहुत आसान है। बड़ों की तस्वीर मत करो, जो अकबर की तस्वीर करता है उसकी इज्जत की दुनिया के खोप की हो जाती है। मैं मुझे पता था पहले दिन से, मैंने फ्री हैंड लिया। मैं शफकत राज साहब आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं यूथ में अपने घर का एक बंदा एक पौधा इनको फ्री हैंड दिया। इस इवेंट का मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बड़ा इवेंट करता हूं बैरिस्टर गौहर और मैंने अली मोहम्मद खान सुभाई लीडरशिप ये सबको मैं बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इधर कर रहे हैं। फतेहा इनकी हर बात मानी, मैंने हर बात मानूंगा यूथ की, लेकिन जो बात रिवायात अब्दार तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आप में होगी, खुदा की कसम मैं ही रुकावट में आऊंगी। मैं उनका हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखी। अगर मेरे लिए अल्लाह ने इज्जत रखी, कामयाबी रखी, लोग कुछ भी कहें अल्लाह फिर भी मुझे इज्जत देगा। जानना सिर्फ अल्लाह से है। ये प्रेशर मेशर में नहीं आता। आज आपने खुरम जी शान को बुलाया, खुरम जी शान मेरा है, मेरे पहाड़ का है, शरीर में उसका नाम है, फैज फैजुर रहमान का नाम है। मैं चाहूंगा इमरान खान जाने, लेकिन अगर कोई इस चक्कर में कि मैं इनके साथ ओवैस और मशहूर को जो हाउस अपने घर के अंदर हम तीन एमडीएस और चार एमएलए हाथ को उठाया हुआ है कि हम हमारे लिए मुआसिस सना के बराबर है, हम कोहाट की बुनियादों और खान के साथ आखिरी वक्त तक वफा करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में कोई काली भेड़ है तो सब तैयार हो आप भी सुन लें। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन अगर ये सिलसिला रहा I will be the first one. क्योंकि असल मैसेज क्या जाएगा अभी? अभी पांचों वर्ष आपने नहीं सीखा, आपके मुखालिफ भी इससे फायदा उठाएंगे। तीन महीनों में आपकी चौथी पोजीशन आई, बनू में कोई नहीं जा रहा था, साथ में नहीं लेके गया, रुकावटें रोकी, गाड़ियां बदली, पैदल फिरे, लेकिन मकसद तक पहुंचे क्योंकि बनू ने पीटीआई को वोट दिया। और पीटीआई के साथ अगर इमरान खान की टीम खड़ी नहीं होगी कौन खड़ा होगा? वहां पे पहुंचे सब मौजूद थे अपनी अपनी साथ के लिए। ये जो साजिशें करते हैं इस पे रब की लान करते हैं, मैं कर रहा हूं दुआ कर रहा हूं, कान इधर से भी सुन लो और इधर से भी सुन लो, इज्जत रब देता है। मैं 2024 का इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं लड़ा था, 2018 का भी नहीं लड़ा था, वो कदरी के चाहते आदमी चिदा चरस लड़ी जलानत वाला मुबारस जलानत वाला मुबारस परवाह परवाह सब इज्जत को दियो इज्जत को दियो यो पल इज्जत को कौन मक्के को सफर की गई वो कदे चाचो सेन के दावी चे मां यूथ विंग ए मां यार ये सब ए मां इन पी गानो ए मां मशानो ए मां पार्टी में सत्यों की ए मां पर रब कसम चरंगी चरंगी तवाकाने को पाकिस्तानों को आज की कहोगे रब प्राण सना उड़ान उनीसा ए दिन बहार सियासत के पारा अल्लाह पाक पाश पाश दूर मरा सरा 1500 रुपये की दावे बहुत साबित की सफाई दिया सफाई दिया तरबियत रानत तरीका को
हमारा जान माल हर से कुर्बान इमरान खान के द्वारा زندہ باد آئی ایل ایف تحریک انصاف زندہ باد عمران